हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वे अचीवर्स में। मैं बादल पाटिल आप सबके सामने फिर से लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला भाग, जिसमें हमने कल पढ़े थे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक विस्तार विभाजन किस प्रकार से हुआ है तथा हमने पढ़े थे कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बंटा है। ठीक है, जैसे हमने फिर से कल की क्लास को मैं रिकॉल कर देता हूँ तो मध्य प्रदेश की मैंने बताया था, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भाग या विभाजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन हमने इस प्रकार पढ़ा था। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर एक, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, हमने इसमें इसके अंतर्गत पढ़ा था मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है, जिसे आपको मैप में दिख रहा होगा कि मध्य भारत का पठार कहाँ अवस्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा था मालवा का पठार, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, हमने यहां तक कल पढ़ा था, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंतर्गत नंबर चार में रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार तथा इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इसी के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, नर्मदा सोन घाटी तथा नेक्स्ट अगला भूभाग है सतपुरा मैकल श्रेणी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजपिपला की पहाड़िया, राजपिपला श्रेणी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्वालीगढ़ या बैतूल का पठार। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार या इसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, हमने क्या पढ़े थे कल, मध्य भारत का पठार। ठीक है, यहाँ की स्थिति बड़ी थी, यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा था, यहाँ की जलवायु बड़ी थी, यहाँ की कृषि बड़ी थी, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की नदियां किस प्रकार है, यहाँ कौन से जिले अवस्थित है। ठीक है, फिर पढ़े थे हमने मालवा का पठार, मालवा के पठार की स्थिति कैसी है जाने थे। उसके बाद हम पढ़े थे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार, जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, जिस प्रकार मैप में देखा गया है। रीवा पन्ना के पठार में विशेषता कर बोला जाए तो रीवा पन्ना की जो चट्टाने है, वहां की चट्टाने है, वहां की क्रम है, वो उपजाऊ, मतलब बोला जाए तो उद्योग की दृष्टि से बड़ा उपजाऊ है। ठीक है, क्योंकि वहां कड़प्पा तथा विंध्यांचल की चट्टाने पाई जाती है, कड़प्पा तथा विंध्यांचल की चट्टाने वहां पाई जाती है। अब हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के बारे में हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश का 10.36% हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है। कितना? 10.36% हिस्सा मध्य प्रदेश का क्लियर कवर करता है। उसी के साथ
हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है 31954 किलोमीटर स्क्वेयर, कितना 31954 किलोमीटर स्क्वेयर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में जाने, अक्षांशीय तथा देशांशीय स्थिति के बारे में जाने, तो इसकी स्थिति है 23 डिग्री से 10 पॉइंट से 25 डिग्री 12 पॉइंट तक उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। उसके बाद हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री से 4 पॉइंट से 82 डिग्री से 18 पॉइंट तक पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति अवक्षित है, ठीक है, यह हो गया इसकी अक्षांशीय तथा देशांतरी स्थिति रीवा पन्ना के पठार की, ठीक है। उसके बाद इसका अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, अन्य नाम है इसका विंध्यन कगारी क्षेत्र, क्या है, विंध्यन कगारी क्षेत्र, क्या नाम है, विंध्यन कगारी क्षेत्र, क्योंकि यहां मुख्यतः विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है तथा विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है वो रीवा पन्ना के पठार तक जाकर सीमित यानी खत्म होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ की जलवायु की अगर बात करते हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का तापमान किस प्रकार से है, वर्षा किस प्रकार से होती है, अगर हम जलवायु की बात करें, जलवायु में हम तापमान जब देखें तो तापमान यहाँ का मुख्यतः तापमान यहाँ का 40 डिग्री से 42 डिग्री तक जाता है, ठीक है, मुख्यतः यहाँ की तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक जाता है। अगर हम यहाँ की वर्षा की बात करें, तो यहाँ की वर्षा 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, कहाँ तक वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर तक यहाँ की वर्षा होती है, ठीक है। उसी के बाद अगर हम यहाँ की मिट्टी देखें, रीवा पन्ना पठार की अगर हम मिट्टी की बात करें, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, रीवा पन्ना पठार की मिट्टी कैसी है, लाल लाल, ठीक है। उसके बाद पीली तथा काली मिट्टी यहां पाई जाती है। मैंने आपको कल बता दिया कि काली मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादातर उपजाऊ है, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए ज्यादातर उपजाऊ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ की चट्टाने की बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ की चट्टाने बहुत ही महत्वपूर्ण है औद्योगिक की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, ठीक है। हम यहाँ की चट्टानों की बात करें तो यहाँ की मुख्यतः चट्टान है कड़प्पा, कौन सी चट्टान है, कड़प्पा चट्टान, यहाँ की मुख्य चट्टान है कड़प्पा, और इसी चट्टानों में मुख्यतः हीरा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में हीरा छतरपुर तथा सतना जिले के आसपास में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हीरा किस चट्टान में पाया जाता है, मुख्यतः हीरा कड़प्पा चट्टान में पाया जाता है, और कड़प्पा चट्टान रीवा पन्ना के पठार में मुख्यतः प्राय पाई जाती है, ठीक है। उसी के बाद यहां विंध्यन शेल के समूह की चट्टाने पाए जाते हैं, विंध्यन शेल की समूह की चट्टाने पाई जाती है, और यहां मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है, इसीलिए सीधी सिंगरौली में, इसलिए मुख्यतः सीधी सिंगरौली में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। उसी के बाद हम कड़प्पा अगर हीरे की बात करें तो इसीलिए छतरपुर सतना
उसी एरिया में हीरा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम नदियों की बात करें, तो मुख्यतः कौन कौन सी नदियां रीवा पन्ना के पठार से होकर बहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नदियों की बात करें, सबसे प्रमुख नदी है केन। कौन सी नदी है? सबसे प्रमुख नदी केन है। उसके बाद टोन्स, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी बोली मैंने? केन, टोन्स, सोनार। उसके बाद सोनार आदि यहां की प्रमुख नदियां है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और बात की जाए, एक प्रमुख नदी है यहां की, एक नदी है बीहड़ नाम से। कौन से नाम से? बीहड़ नाम से, जिस पे प्रसिद्ध चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात रीवा में, कहा रीवा में पाया जाता है, ठीक है। एक मुख्य नदी है बीहड़ जो रीवा में है, जहां चचाई जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद, हम बात करें जिले के विस्तार की। रीवा पन्ना के पठार का विस्तार किन किन जिलों में है, ठीक है। अगर हम जिले की बात करें तो प्रमुख रूप से, जिले है रीवा। कौन सा जिला है? रीवा, सतना, ठीक है। कौन सा जिला है? रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, आदि प्रमुख रूप से जिले यहां विस्तारित है, ठीक है। आदि प्रमुख रूप से जिले यहां विस्तारित है। अगर बात की जाए यहां की कृषि की, ठीक है, अगर हम कृषि की बात की जाए तो यहां की मुख्य फसल है गेहूं, ठीक है। यहां की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं तथा चावल, ठीक है। उसके बाद ज्वार, तिलहन, यहां मुख्य रूप से फसल उपजाऊ की जाती है, ठीक है। अब बोला जाए, कि यह हो गया इसका रीवा पन्ना के पठार का विवरण। वहां की नदियां कैसी है, कृषि कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसा है, वहां की स्थिति कैसी है, ठीक है। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही दो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, जो विंध्यन शैली, विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। मुख्य है, एक है भांडेर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कैमूर श्रेणी, ठीक है, भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी। भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी की मुख्य विशेषता यह है कि यह पर्वत श्रेणियां नर्मदा तथा गंगा यमुना के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी नर्मदा तथा गंगा यमुना के जल विभाजक का कार्य कौन करता है? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी, ठीक है। इसके रीवा पन्ना के पठार के ऊपर देखा जाए तो गंगा यमुना, ठीक है। अगर हम नीचे बात करें तो नर्मदा सोनघाट, नर्मदा नदी, ठीक है। इसलिए भांडेर श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी को गंगा यमुना, तथा नर्मदा नदियों का जल विभाजक माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। यह हो गया प्रमुख रूप से किसकी विशेषता, रीवा पन्ना, पठार की मुख्य विशेषता होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से नर्मदा सोनघाटी। जहां आपको दिख रही है यह नर्मदा सोनघाटी, मध्य प्रदेश की सबसे नीचा भाग,
या निचला क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। अब नर्मदा सोन घाटी किस प्रकार मध्य प्रदेश में अवस्थित है यह हम देख लेते, ठीक है। हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 27.14% हिस्से में विस्तारित है या हिस्से को कवर करती है। मध्य प्रदेश के 27.14% भाग को या हिस्से को कवर करती है, कौन सी? नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। हम जब इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 83,691 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति किस प्रकार है मध्य प्रदेश में, इसकी अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति किस प्रकार है? मुख्यतः यह 22 डिग्री से 30 पॉइंट से शुरू होकर 23 डिग्री 45 पॉइंट तक उत्तरी अक्षांशीय स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद हम देशांतरी बात करें तो 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 पॉइंट पूर्वी देशांतर तक यह अवस्थित है, ठीक है। पूर्वी देशांतर तक यह अवस्थित है। उसके बाद बोला जाता है यह एक मध्य उच्च प्रदेश का, यह मध्य उच्च प्रदेश का, जैसे मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़े थे मध्य उच्च प्रदेश तथा मध्य उच्च प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी जब हम पढ़ रहे हैं तो नर्मदा सोन घाटी यह एक भ्रंश घाटी है, ठीक है। मतलब यह एक सकरी नुमा गली या बोल सकते हैं घाटी है जिसमें से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। इसके बाद जो नर्मदा नदी है जो इस सकरी घाटी से बहती है वो सबसे लंबी नर्मदा नदी बहती है तथा जो सोन नदी है वो इस भ्रंश घाटी से सकरी होकर गुजरती है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद जब यहाँ की जलवायु की बात करें, यहाँ की जलवायु की बात करें तो किस प्रकार की यहाँ जलवायु है, यहाँ की जलवायु मुख्यतः यहाँ का तापमान 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा 70 से 140 सेंटीमीटर तक होती है, 70 से 140 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा होती है, ठीक है। अगर हम उसकी यहां की मिट्टी की बात करें, हम यहां की मिट्टी की बात करें तो यहां की गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी यहां पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी यहां पाई जाती है या काली मिट्टी बोल सकते हैं, या काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। गहरी काली या काली मिट्टी यहां पाई जाती है। यहां की प्रमुख नदियां जैसे मैं बताया हूं नाम ही वो है तो नदियां भी वही होगी, यहां की प्रमुख नदी है सबसे प्रमुख नदी नर्मदा, ठीक है। उसके बाद सोन, ठीक है, जो नाम ही उसी पे है भूभाग का तो उसी के नाम पर मुख्य प्रमुख नदियां है दो, ठीक है। उसके बाद तवा आदि प्रमुख नदियां है,
ठीक है। इस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, सोन तथा तवा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम अगर नगरीय विस्तार देखें यहाँ का कि किस प्रकार से ये कौन कौन सी जिले को कवर करती है, तो अगर हम नगरीय विस्तार देखेंगे, अगर नगरीय विस्तार देखें तो मुख्यतः इसके अंतर्गत आने वाले जिले बड़वानी, ठीक है, बड़वानी, उसके बाद मंडला, ठीक है, उसके बाद डिंडोरी, ठीक है, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद नरसिंहपुर, ठीक है, उसके बाद हरदा, उसके बाद धार, होशंगाबाद तथा झाबुआ आदि यहां प्रमुख रूप से जिले विस्तारित है। ठीक है, ये होगी मुख्य मुख्य बातें नर्मदा तथा सोनघाटी के अंतर्गत आने वाली। ठीक है, मैंने जैसे कि बता दिया कि नर्मदा सोनघाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, ओके, और यह एक भ्रंश घाटी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। भ्रंश घाटी मतलब एक सक्रिय हुई गली या सक्रिय घाटी जिसके अंतर्गत नर्मदा नदी एक लंबी दूरी तय करती है तथा सोनघाटी एक सक्रिय तथा छोटी दूरी तय करती है। ठीक है, इसके नर्मदा सोनघाटी के अंतर्गत यहां तक हम पढ़े नर्मदा सोनघाटी तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, मध्य भारत का पठार, हमने बुंदेलखंड का पठार, हमने मालवा का पठार पढ़ लिया, ठीक है, हमने नर्मदा सोनघाटी पढ़ ली, हमने रीवा पन्ना का पठार पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो हमने पढ़े थे सबसे पहला भाग मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पांचों भूभाग हमने पढ़ ली। सबसे पहले हम नर्मदा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोनघाटी, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आने वाला सेकंड नंबर पे जो था सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जैसे मैंने बताया कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी को भी इसके अंतर्गत तीन श्रेणियां मुख्यतः पाई जाती है, तीन श्रेणियां मुख्यतः है। ठीक है, अब वो तीन श्रेणियां किस प्रकार है, क्या क्या इसकी विशेषता है वो हम देखेंगे, पर सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी मध्य प्रदेश के 10.16% हिस्से को कवर करती है। ठीक है, कितना, मध्य प्रदेश के 10.16% हिस्से को मध्य प्रदेश के कवर करती है नर्मदा सोन सॉरी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें हम इसके, जब हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 31,317 किलोमीटर स्क्वेयर, 31,317 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, जब हम इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति किस प्रकार है, इसकी स्थिति हम स्थिति जान लेते हैं। इसकी स्थिति है 21 डिग्री से 23 डिग्री तक उत्तरी, क्या है, अक्षांश इसका, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तथा हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री से 30 पॉइंट तक से शुरू होकर 81 डिग्री तक पूर्वी देशांतर का इसका विस्तार है। ठीक है, ठीक है, कवर हो रहा है। जब हम बात करें
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दिख रहा है हमें कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में है। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में है। तथा सतपुड़ा के ऊपर हमें दिख रहा है नर्मदा सोन घाटी, मतलब वहां की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी तथा सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी पश्चिम में बहती है, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इसके बीचों बीच ऊपर उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में तापी नदी में के बीचों बीच यह विस्तारित है, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन मतलब दोनों ओर से घिरा हुआ नदियों से, ठीक है। इसी के बाद हम जब इसके पूर्व की बात करें, जैसे मैंने उत्तर में बता दिया नर्मदा नदी है तथा तो इसके दक्षिण में बता दिया तापी नदी है, ताप्ती नदी है। उसी के बाद हम इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में अमरकंटक का पठार है। क्या है? अमरकंटक का पठार, जहां से नर्मदा नदी सोन नदी निकलती है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और आपको जो ये क्षेत्र दिख रहा है यह मुख्यतः मैंने क्या बनाया है? धूपगढ़ की चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसी के अंतर्गत पचमढ़ी है और पचमढ़ी के अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी है और धूपगढ़ की चोटी मुख्यतः महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत पर श्रेणी पर विस्तृत है। कौन सी? धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। और पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पचमढ़ी में ही सबसे ज्यादा वर्षा कहा होती है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है तथा मैंने कल आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है, ठीक है, भिंड जिले में होती है। अगर पचमढ़ी में हम वर्षा की बात करें, अगर हम पचमढ़ी में वर्षा की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा तकरीबन 199 सेंटीमीटर तक धूपगढ़ या पचमढ़ी में वर्षा होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु 10 डिग्री से 30 डिग्री तक, 10 डिग्री से 30 डिग्री तक यहाँ का तापमान जाता है। तथा उसी प्रकार हम जब वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ की वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के ऊपर भी होती है, ठीक है। यहाँ की वर्षा कहाँ पर होती है? 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के तक होती है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी की बात करें तो मिट्टी किस प्रकार है? हम दिख रहे हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसके अंतर्गत जो आने वाली है पर्वत श्रेणी राजपिपला, मेकल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ की मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी मुख्यतः साधारण काली। कौन सी है? साधारण काली। काली का भी प्रकार है, काली मिट्टी का भी प्रकार है। मैंने पहले पढ़ा था क्या कौन सा? नर्मदा सोन घाटी, यहाँ गहरी काली तथा छिछली काली थी, ठीक है, यहाँ साधारण काली है। और उसके बाद तथा छिछली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? छिछली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है, ठीक। ये क्या हो गया मिट्टी का प्रकार। अगर हम यहाँ की प्रमुख नदियां देखें, यहाँ की हम प्रमुख नदियां देखें तो यहाँ की प्रमुख नदी है नर्मदा, ठीक है, तापी जिसे ताप्ती भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जोजीरा, शक्कर, ठीक है। उसके बाद हिरण, यह यहाँ की प्रमुख नदियां भी है, ठीक है। अगर हम इसके
नगरी विस्तार, जिलों की विस्तार की बात करें तो कहां तक यह फैला हुआ है, सतपुड़ा, पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा कहां तक फैला हुआ है। अगर हम इसके बात करें तो मुख्यतः यह खंडवा, ठीक, उसके बाद खरगोन, ठीक, खंडवा, खरगोन, बालाघाट, मंडला, ठीक, शिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक, बैतूल, उसके बाद शहडोल, उसके बाद सीधी तथा सिंगरौली, ठीक है, यह प्रमुख रूप से विस्तारित है। ठीक है, यह हो गया सतपुड़ा मेकल श्रेणी का विवरण। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया, इसके अंतर्गत आने वाले राजपिपला, मेकल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सतपुड़ा के अंतर्गत आने वाले हैं प्रमुख पर्वत किस प्रकार है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपिपला। सतपुड़ा के अंतर्गत आने वाला राजपिपला प्रमुख रूप से है राजपिपला श्रेणी। कौन सी श्रेणी? राजपिपला की श्रेणी, तथा इसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी भी कहा जाता है। कौन सी? पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं, जब पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, जब हम पश्चिमी श्रेणी की बात करते हैं तो मुख्यतः देखा गया, जैसे आपको दिख रहा है, राजपिपला की पहाड़ियां मुख्यतः गुजरात तथा बुरहानपुर दर्रा, कौन सा? गुजरात तथा बुरहानपुर दर्रे तक सीमित है, तक विस्तारित है। ठीक है, कहां तक? इसके पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक राजपिपला की पहाड़ियां अवस्थित है। कहां तक? पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक इसका सीमा विस्तारित है। ठीक है, यहां पर मुख्यतः देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसी पहाड़ियां आपको मैप में छोटी छोटी दिख रही होंगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत बोला जाए तो मुख्यतः अखरानी पहाड़िया, बड़वानी पहाड़िया, मुख्यतः कौन सी पहाड़िया? अखरानी पहाड़िया, बड़वानी पहाड़िया तथा बीजागढ़ व असीरगढ़ की पहाड़िया। कौन सी? बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़िया, असीरगढ़ की पहाड़िया अवस्थित है। जैसे मैंने आया छोटे छोटे 4 ब्लॉक बनाया है, 1, 2, 3, 4, यह पहाड़िया यह राजपिपला की श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, कौन सी? अखरानी पहाड़िया, बड़वानी पहाड़िया, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़िया इसी पर्वत श्रेणी में विस्तारित है। ठीक है, यहां से ही
ताप्ती नदी भी बहती है, इसी के समानांतर ताप्ती नदी भी यहाँ से बहती है। ठीक है, ये हो गया राजपिपला श्रेणी तथा पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी के बारे में कुछ प्रमुख विशेषता या जानकारी है। ठीक है, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी या इसे ग्वालीगढ़ या बैतूल का पठार, बैतूल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जहां पे धूपगढ़ चोटी है और जहां पे पचमढ़ी अवस्थित है। ठीक है, पचमढ़ी हमारा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसी के अंतर्गत धूपगढ़ चोटी भी आती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जैसे मैंने बताया सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंदर ग्वालीगढ़ तथा बैतूल की पहाड़ी आती है, तथा इसी के अंतर्गत छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा का पठार या पर्वत भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया कि पचमढ़ी में सबसे ऊंचा शिखर है हमारे एमपी का, जो धूपगढ़ से प्रचलित है, जो महादेव पर्वत श्रेणी में आता है, धूपगढ़ चोटी, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सर्वोच्च ऊंचाई वाला स्थान है। ठीक है, ये हो गया पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी या कुछ विशेषता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकल श्रेणी। कौन सी पढ़ेंगे? मैकल श्रेणी के अंतर्गत कुछ विशेषताएं है कि किस प्रकार से मैकल श्रेणी अवस्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी की प्रमुख रूप से अगर हम उसका आकार देखें, मैकल पर्वत श्रेणी का जब हम आकार देखें तो यह आकार हमें अर्ध चंद्राकार आकृति वाला आकार दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा आकार? अर्ध चंद्राकार आकृति वाला आकार दिखाई, जैसे आपको मैं आपने दिख भी रहा होगा कि मैकल पर्वत श्रेणी का आकार या आकृति अर्ध चंद्राकार है, बोला जाए दक्षिण से पूर्व या उत्तर से दक्षिण में या पूर्व से पश्चिम में आपको आकार दिख जाएगा, अर्ध चंद्राकार आकार मैकल पर्वत श्रेणी का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसी के अंतर्गत एक प्रमुख पहाड़ी पाई जाती है, प्रमुख पर्वत पाया जाता है, जिसका नाम है अमरकंटक का पर्वत। ठीक है, यहां से प्रमुख रूप से नर्मदा तथा सोन नदियां यहां से प्रमुख रूप से निकलती है, तथा जोजीला। ठीक है, यह प्रमुख नदियां इसी पर्वत से निकलती है। ठीक है, यह हो गया किसके बारे में? मैकल पर्वत श्रेणी के प्रमुख विशेषता। ठीक है, अब हम आखिरी में पढ़ेंगे जो आप अभी हमें हमारा आखिरी बचा हुआ भाग है बघेलखंड का पठार। हमने विस्तृत भूभाग को जान लिया, छोटी छोटी बातें इसके बारे में जान लिए, अब हम इसके आगे भी पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के बारे में कुछ हम जानकारी, रोचक जानकारी देख लेते हैं। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के 6.5
36% हिस्से को कवर करती है। कितना? 6.36% हिस्से को कवर करती है तथा इसका क्षेत्रफल, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तथा इसका क्षेत्रफल 19611 किलोमीटर, कितना? 19611 किलोमीटर, 11 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर तक, वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, तो यह 23 डिग्री से 40 पॉइंट से लेकर 24 डिग्री से 25 पॉइंट तक पूर्वी, सॉरी उत्तरी अक्षांश विस्तार है, ठीक है। उसके बाद ठीक है 80 डिग्री से 5 पॉइंट तक तथा 82 डिग्री से 47 पॉइंट तक पूर्वी इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। पूर्वी इसका देशांतरी विस्तार है। जब हम बघेलखंड के पठार के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि बघेलखंड का पठार यह एक ऐसा पठार है जिसको हम पूर्वी पठार भी जानते हैं। कौन सा? पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं तथा इसके ही बीचों बीच से कर्क रेखा ही गुजरती है जो इसको बघेलखंड को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है, जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है तथा हम इसके विस्तार की बात करें, तो यह उत्तर पूर्व में सीधी, सिंगरौली तथा ये जो भाग दिख रहा है आपको, सीधी सिंगरौली तथा कुछ शेष भाग, सीधी सिंगरौली को छोड़कर कुछ शेष भाग जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, वो छत्तीसगढ़ के अलग होने के कारण बघेलखंड के पठार का शेष भाग छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें, तो यहाँ की जलवायु 20 डिग्री से 40 डिग्री तक क्या तापमान जाता है। यहाँ की हम वर्षा की बात करें तो यहाँ की वर्षा 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। कितनी? 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां है, सोन तथा जोजीला, यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ की मिट्टी काली, लाल तथा दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। कौन सी? काली, लाल तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है तथा यहाँ की कृषि की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख फसल चावल है। चावल मतलब बोला जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। इसी वजह से जो भाग है बघेलखंड का पठार, वो कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, इसलिए वहां ज्यादातर चावल की फसल उगाई जाती है, ठीक है। प्रमुख रूप से चावल है तथा अन्य में अलसी तथा तिलहन या उगाया जाता है, ठीक है। एक मैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में प्रमुख रूप से बोला जाए तो यह एक कोयला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? कोयला क्षेत्र,
कोयला क्षेत्र है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोयला क्षेत्र है तथा इसका जिले का विस्तार उमरिया तक भी है। ओके, कोयला क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से देखा गया तो कोयला क्षेत्र मुख्यतः सिंगरौली में पाया जाता है, सीधी में पाया जाता है। ठीक है, सिंगरौली तथा सीधी जिलों में यहाँ का प्रमुख रूप से कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से शहडोल यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग का विभाजन तथा प्रमुख रूप से जो भी भूभाग है, जो सात भूभाग में मध्य प्रदेश को बांटा गया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। जो भी मैंने आपको बताया कृपया आपको आप वीडियो को अच्छे से देखें तथा नोट्स में अपने नोट करें। और एक प्रमुख रूप से जानकारी मैं आपको बता दूं, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही थी तो सर के कुछ पर्सनल दिक्कत प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास कुछ दिनों बाद कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, सर की क्लास अवश्य होगी, मयूर सर की। तो आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखते हैं और आगे के अगले लेक्चर में हम दूसरा कोई टॉपिक लेकर आएंगे और उसी के विषय में अच्छे तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैं इतना बताया हूं आप उसी को रिवाइज करें तथा अपने नोट्स में लिखें। ठीक है, धन्यवाद। आपने जब हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक्स कमेंट्स करें, जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स में आपको बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।